नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ अधिवक्ता अजित रघुवंशी ने लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल खुद को भगवान राम के वंशज होने का दावा करने वाले अजित रघुवंशी ने नेपाल के पीएम ओली के अयोध्या वाले विवादित बयान पर लीगल नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस दिल्ली के दूतावास और नेपाल में प्रधानमंत्री आवास में भेजा गया है। अजित रघुवंशी ने पीएम ओली की बातों को तथ्यहीन बताया है। उनकी माने तो अगर नोटिस का जवाब 15 दिनों में नहीं आया तो वो कोर्ट जाएंगे। केपी शर्मा, श्री केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पूर्व सरकारी आवास में कवि भानु भक्त के जन्मदिन समारोह पर कहा कि असली अयोध्या नेपाल में वीरगंज के पास एक गांव में है तथा भगवान श्री राम का जन्म वहां हुआ है और भी कई तथ्यहीन, आधारहीन, अनगर्ल बातें उनके द्वारा कही गईं जो अशोभनीय थीं। प्रभु राम के बाबत उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है, जिसका कि उनके पास ना तो कोई दस्तावेजी प्रमाण है और ना ही किसी तरह का कोई विचार इस तरह का कोई ले सकता है। नेपाल और भारत की संस्कृति मिलती जुलती है, उन्हें भली भांति जानकारी है कि सरयू किनारे अयोध्या में, उत्तर प्रदेश भारत में, भगवान प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। मैं प्रभु राम का वंशज हूँ। मैंने सर्वोच्च न्यायालय में, जब उस समय तत्कालीन समय चलते हुए प्रकरण में, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भगवान राम के वंशज कहाँ हैं, तो मैं हाजिर हुआ था, अपनी आपत्ति उठाई थी और समस्त रघुवंशी समाज भी अयोध्या, मध्य प्रदेश का समस्त रघुवंशी समाज अयोध्या प्रभु राम के दर्शन करने गया था, जिसमें 8 से 10 हज़ार लोग वाहनों से अयोध्या गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शर्मा ओली के इस वक्तव्य से मैं तो आहत हुआ ही हूँ। रघुवंशी होने के नाते और रामचंद्र जी का वंशज होने के नाते, साथ ही समस्त रघुवंशी समाज जो भारतवर्ष का है, वो भी बहुत आहत हुआ है। दरअसल नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में स्थित अयोध्या में हुआ था, ना कि भारत के अयोध्या में। इसके साथ ही ओली ने ये भी आरोप लगाया था कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।